ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है CSIR। आइए जानते हैं CSIR के बारे में। इसका पूरा नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसका गठन 26 सितंबर 1942 को किया गया था। इसका गठन 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 11 के जरिए किया गया था। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके फाउंडर डायरेक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी हैं। आइए जानते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में। इसमें एक सोसाइटी होती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। इसके महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे हैं। इसके शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी के प्रमुख CSIR के महानिदेशक हैं। शासी निकाय में सदस्यों की संख्या 10 है। शासी निकाय के पदेन सदस्य वित्त सचिव होते हैं। इसके सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड में एक प्रमुख होता है। वर्तमान में इसके प्रमुख भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन हैं। सलाहकार बोर्ड में सदस्यों की संख्या 13 होती है। सलाहकार बोर्ड का कार्य शासी निकाय को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह देना होता है। सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल 3 साल का होता है। इसमें एक परफॉर्मेंस अप्रेजल बोर्ड होता है। इसमें एक मैनेजमेंट काउंसिल भी होता है। इसमें एक रिसर्च काउंसिल होता है। आइए जानते हैं इसके विजन एवं मिशन के बारे में। इसका मिशन नए भारत के लिए एक नए CSIR का निर्माण करना होता है। इसके विजन निम्नलिखित हैं: ऐसे विज्ञान पर बल देना जो वैश्विक प्रभाव के लिए प्रयास करे, और ऐसी प्रौद्योगिकी तैयार करना जो नवोन्मेष आधारित उद्योग को सक्षम बनाए। आइए जानते हैं CSIR की भूमिका के बारे में। CSIR की भूमिका निम्नलिखित है: रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भू भौतिकी, रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर खनन, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी तक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करना, सामाजिक प्रयासों से जुड़े अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, खेत और गैर कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इसकी विज्ञान एवं तकनीक मानव संसाधन विकास यानी SNT ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अहम भूमिका है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। स्कीमेगो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2014 के मुताबिक CSIR दुनिया भर के 4,851 संस्थानों में 84वें स्थान पर है। शीर्ष 100 वैश्विक संस्थानों में एकमात्र भारतीय संगठन है। एशिया के संस्थानों में 17वें स्थान पर है और भारत में पहले पायदान पर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।